अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आईसीसी मैच वर्ल्ड कप 2023 के आज दो मैच थे। दोनों मैच कहते, पहला मैच तो ऐसा हुआ ना, ऐसा कमाल का हुआ। उस मैच की जितनी तारीफ हुई जितनी कम है। न्यूजीलैंड ने क्या कम बैक किया, बेशक न्यूजीलैंड हार गई, लेकिन न्यूजीलैंड ने आखिरी गेंद तक लड़ाई की। आखिरी गेंद तक न्यूजीलैंड ने दिखाया कि वो क्यों वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए फिर वर्क लाए जाते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच। अगर बैटिंग की जाए, अगर सिनेरियो देखा जाए, डेविड वार्नर और उसकी जो ट्रेविस हेड की बैटिंग, कमाल की बैटिंग, 175 स्कोर की पार्टनरशिप। डेविड वार्नर ने 81 बनाया, ट्रेविस हेड ने 109 बनाया। उसके बाद गैलन मैक्सवेल 41, जॉश इंग्लिश 38, पैट कमिंस 37। आज कहते हैं ना कि उसने 28 गेंदों पे 50 की, डेविड वार्नर ने 25 गेंदों पे ट्रेविस हेड ने 50 की। आज ऑस्ट्रेलिया ने 20 छक्के मारे, किसी भी, यानी रिकॉर्ड गेम, किसी भी टीम ने एक मैच में 13 छक्के मारे, 20 छक्के। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी खिलाफ भी बेंगलोर में 19 छक्के मारे थे, लेकिन बड़ा टिका के तो कूट पड़ी न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड के बॉलर्स को। ठीक, गैलन मैक्सवेल एक ऐसे बॉलर थे जो कामयाब रहती हैं, 10 ओवर में 37 स्कोर दिया, 2 विकेट हासिल को, 3.71 उन्होंने स्कोर दिया और विकेट्स लिए। अगर बात करें न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की इनिंग्स कमाल, सचिन रविंद्रा देख रहे हैं, डेविड कॉनवे ने बेशक 28 खेले वो बनाए, वो बहुत, उन्होंने बहुत तेज बनाए। आप उसकी बात कर लें, डैरल मिचर की बैटिंग के ऊपर बात कर लें, विलियन की बैटिंग में बात कर लें, जिमिन निसीमन की बैटिंग के ऊपर बात कर लें, कमाल कहते ना, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ऑस्ट्रेलिया का ना, जब 18 ओवर होते थे उस टाइम वो हर ओवर में बाउंड्री मार रहे थे, जब 19वां ओवर आया ना, वो पहला ओवर था जिसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं लगी थी, उसके अगले ओवर में फिर वो आउट हो गया था। डेविड वार्नर कॉट बिहाइंड बॉलर की गेंद पे ही, फिलिप्स की गेंद पे ही, लेकिन जो फाइट बैक की है ना न्यूजीलैंड, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, उतनी कम है। रचिन रविंद्रा ने क्या कमाल की इनिंग्स खेली, उसने हर जगह पे शॉट्स खेली। ये आप देख रहे होंगे, मैंने लगाई ये तस्वीर, हर जगह पे शॉट खेली, 360 एंगल से आप देखें, उन्होंने हर जगह पे शॉट्स खेली, छक्के मारे। उसने पूरे मैच में ऐसी कोई गंदी, कहते हैं ना कि वो बैड शॉट नहीं खेली, बिल्कुल एक्यूरेटली शॉट्स खेलता रहा, अटैकिंग रेट खेलता रहा, लेकिन बस कहते हैं ना, बस जब एक बैड शॉट उसने एंड में आके खेल दिए, पैट कमिंस मारे, वो बॉल वो जज कर गए थे, लेकिन वो थोड़ा बैट्स कहते ना एक्सटेंड करना पड़ा उसे अपने हाथ को, उसने शॉट मारी, वो बाउंड्री पे मारा, लबशे ने कैच पकड़ लिया। उसके बाद जिमी निशीमन ने बहुत कमाल की इनिंग्स खेली, वो रन आउट हुआ, जब वो रन आउट हुआ था मुझे 2019 वाला सिनेरियो याद आ गया, जब वो रन आउट हुआ था, ओए होए होए। आज और कल के जो जो मैच हुए ना, इसने इस वर्ल्ड कप क्रिकेट को अलाइव कर दिया। क्लोजेस्ट मैच, यानी कि 2 थ्रिलर आपको 2 दिन में देखने को मिले, ये है वर्ल्ड कप, ये है 50 फॉर्मेट का मज़ा वर्ल्ड कप का, बहुत ही ज़बरदस्त। बेशक ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गई 5 स्कोर से, लेकिन व्हाट अ मैच, व्हाट अ कमबैक। और मिचेल स्टार्क तो इस सीरीज में चल ही नहीं रहे वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन 19 स्कोर नहीं आज उन्होंने खाया इस ओवर के अंदर, कवर अप किया, रोक के रखा स्कोर, भेजे बाइक का चौका भी खाया उन्होंने, वाइट बॉल फेंकी, डबल्स 2 दफ़ा बने, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त कहते हैं ना कि एफर्ट की। अगर बात करें हम दूसरे मैच की, बांग्लादेश वर्सेस नैदरलैंड, ये भी पाकिस्तान की तरह नल्ली टीम है, नैदरलैंड से आ रही है, कुत्ते की तरह आ रही है। नैदरलैंड ने बसानी ने 87 स्कोर से हरा दिया, या तुम्हें 200 चीज नहीं चाहिए, 30 नहीं चेज हुआ, वो नई साइड है, इमर्जिंग साइड है, तुम कब से अरसे थे कि तुम 1999 से खेलते आ रहे हो, रेगुलर क्रिकेट खेलते आ रहे हो, वो तो फिर भी रेगुलर नहीं खेलते, वो 96 में खेले वर्ल्ड कप, उसके बाद फिर ये आए, आते रहे, एक दो दफ़ा आए, फिर चले गए, आ लोगों से ये नहीं संभालेंगे नैदरलैंड्स के बॉलर,
नो डाउट नेदरलैंड ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, कोई शक वाली बात नहीं। मिकलन ने 4 विकेटें हासिल की, हालांकि ये वो बॉलर है जो नेदरलैंड के अंदर रेडर की जॉब करता था बेचारा। देखो कैसी किस्मत बदलती है, जिस अल्लाह रखे उसे कौन चक्के, टीम में सेलेक्ट हुआ परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे वो लेस्टर सिटी के जिमी वार्डी को देख लें, वर्कशॉप में काम किया करता था, आगे फुटबॉल में आया तो अल्लाह ने रंग लगा दिया। कमाल का, जितनी तारीफ की जाए नेदरलैंड की कम है। इस चीज़ से ना पाकिस्तान टीम को इस चीज़, बेशक पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने ना उन्होंने दिखाया है कि यार पावर प्ले को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, मिडल ऑफर को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग देख लेना चेस के दौरान, आपने जो 345 चेस किया था ना, वो 379 चेस करने जा रहे थे, वो बेशक 5 स्कोर से आ रहे, ठीक है, लेकिन उन्होंने एफर्ट की, उन्होंने जान मारी, लेकिन आप उन्होंने तो गंदी मारा है, ठीक है। वहाँ सोशल मीडिया को बचा, मुझे भी लगा कि शताब खान ने एक्टिंग की है। अगर शताब खान इंजर थे तो बेंच पे बैठे कैसे ताली बजा रहे, कैसे एग्रेशन शो कर रहे हैं, इट मीन्स अपना अपने आप को बचाया, अपना कैरियर बचाया। मेरी नज़र में ना इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। ये और इमाम उलक ऐसी चुदक्की करते हैं। इमाम उलक कोई इम्पोर्टेंट मैच होता कमर का बहाना बना के बैठ जाता, इंजरी का बहाना बना के बैठ जाता था। अगर 3-4 मैच में पास के अंदर ऐसा किया, अभी शताब खान ने भी यकी कर दी भाई, टर्निंग विकेट थी, बाउंसिंग विकेट थी, तू होता काश कुछ ना कुछ तो करता। तूने अपना कैरियर, कहते ना कि अपने आप को बचाने के लिए तूने टीम को दौड़ा, तुम्हारे लिए मुल्क इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए टीम इंपॉर्टेंट, तुम्हें अपनी धार से मतलब है। तुम लोग वो कमी साथ के, तुमने कहा टीम में सेलेक्ट हो गया, हम इंजर्ड भी हैं ना, हम खेलेंगे, हमने पैसे कमाने हैं, मुल्क जाए बाढ़ में, टीम जाए बाढ़ में। जैसे शाहीन अफरीदी है ना, इंजर्ड है, अभी तक फिट नहीं है, लेकिन कुत्ते का बच्चा कहता मैंने खेलना है, मैंने पैसे बनाने हैं, टीम जाए बाढ़ में। क्या तुम कल नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका मैच में क्या करते रहे हो, एज निकालने को? भाई तुम विकेट पे बॉल, विकेट किस पे बनी है, यहाँ बॉल फेंकोगे एज होगा, LBW का चांस बनेगा, बॉल होने का चांस कुछ तो बनेगा तीनों में से, लेकिन नहीं तुम लोगों ने बाहर फेंकी गेंदे, अजीब है ये तो। आज भी मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, हमारी टीवी में सुन रहा था पाकिस्तान के चांस बन सकते हैं जी, कैसे बन सकते हैं, न्यूजीलैंड का सारे मैच हार जाए, पागल है वो, बच्चे हैं, उन्हें नहीं समझ की क्रिकेट खेलनी है, दूसरों के आसे भी जीना सारी जिंदगी, खुद कुछ ना करना। वो बड़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो गया, अजाब डाला हुआ था हमारी मीडिया ने, हमारे लोगों ने, किंग बाबर किंग बाबर खुल के आ गए ना, किंग बाबर 50 की जाने की है भाई, मैच फिनिशर बनाओ। आपने इस टूर्नामेंट के अंदर 287 स्कोर किए हैं 217 गेंदों पे, भाई मेरे ये तेरा स्कोर है यार, 284 के 270 गेंदों पे यार, तो अपना रन रेट तो देख लेते, स्ट्राइक रेट क्या है तेरा यार, चबल इंसान कहते हैं गिनने को। इन्हें अपनी आगे, इन्होंने एशिया कप के बाद कैंप भी लगवाया, सबको मिले थे एड्स, इन्होंने एड्स में एडवर्टीजमेंट करनी थी, पैसे कमाने थे, तुम्हारे लिए मुल्क का क्या था, कोई मुल्क तुम्हारे लिए मुल्क नहीं रखता। मैं तो कहता हूँ भाई सबको बैन करो एक साल के लिए, नई टीम ले जाओ, बाहर में जाओ यार, हारोगे ना कोई बात नहीं, हार जाओ, लेकिन इन्हें बैन करो, इनकी यक्कियों की वजह से इन्हें बैन करो। अजीब आप लोगों की चुदक्की बात यह है। रची नविंदा ने 25 साल की सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर किया है, सुन लो पाकिस्तान में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर किया कि 25 साल की उम्र से वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां कर दी, आप लोग ना कर सके कभी आज तक, ये यार मुझसे होता नहीं। आज के मैच में 771 स्कोर बना है, और श्रीलंका वाले मैच में बना था 754 स्कोर, श्रीलंका जो साउथ अफ्रीका का हुआ था, लेकिन नहीं भैया आप लोगों को तो मौत आई हुई थी, मौत आई थी। और ऑस्ट्रेलिया वाइट टीम ने कंसेक्यूटिव 300+ बनाया है, लास्ट 3 मैच उठाए थे, तीनों मैचों में 300+ बनाया है, लेकिन आप लोगों को तो मौत आई हुई थी। एनीवेज कैसी लगी मेरी वीडियो, जरूर अपने कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।